स्टेट के बच्चे लोगों को सुविधा मिलता है वो हम हमारे स्टेट में मिले, हम भी ले आएंगे मेडल। एक इन्हीं का दोस्त है, देखते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। देखिए कैसे तैयार करते हैं, आप पहले देखिए इनको। इसको क्या बोला जाता है, इधर आइए थोड़ा। इसको क्या बोला जाता है अंकल? इसको घीच बोला जाता है। देखिए जो ये कर रहे हैं वो घीच होता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप थोड़ा सा दिखाइए, गर्म करने के लिए, और मतलब स्टार्ट करने से पहले इसको गर्म करने के लिए, और जान आता है हाथ में पूरा शरीर में। दिखाइए ये, अब ये कौन सा है? ये भी घीच है। और तीसरा स्टेप, ये तो दो स्टेप हो गया। ये स्टार्ट करने से पहले गर्म गर्म करने का ये है, शरीर वार्म अप। देखिए तीसरा, हाँ ये तीसरा है, पूरा हाथ में जान आता है इससे। अच्छा चलिए तीसरा हो गया, तीसरा आपने देख लिया। चौथा प्रोसेस देखेंगे कि स्टार्ट जैसे, ये तो सारा चीज गर्म करने का हो गया, स्टार्ट जैसे आप करते हैं वो थोड़ा सा दिखाइए एक बार, है ना अंकल? वो भी तो एक बार दिखना चाहिए। ठीक, हाथ मिला और ये टेक्निक, ये सब पोजीशन होता है। पीछे पीछे इधर से आइए ना, इधर इधर से। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिखाइए बढ़िया से। ये कुश्ती का पोजीशन होता है जो यहाँ से हम लोग सीखते हैं, जो भी कला वाला मतलब जो कला होता है, टेक्निक होता है, उस्ताद बताते हैं कि कैसे क्या करना है, वो सब यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बात बताइए, जो ये बगल में खड़े हैं ना, इसी चीज को कर करके कई सारा मेडल लेके आ गए हैं, मेडल लेके आए हैं ना, देश के लिए भी लेके आ गए हैं, सेंट्रल के लिए भी लेके आ गए हैं, और अपनी स्टेट के लिए लेके आ गए हैं, काफी सारे मेडल भी जीते हैं। ये सारा गुरु आप ही का यही थे ना? हाँ यही है। क्या कितना टाइम लग गया था इनको तैयार करने में अंकल, ये बताइए? छह सात साल। हाँ। क्या लगता है कि इन पे कितना दिन आप टाइम दिए हैं? सात आठ साल। क्या लगता है कि एक दो साल में ये मेडल लेके आ जाएंगे? इस तरीके से देखिए, आपके पिताजी भी बहुत भरोसा है कि आप दो सालों के अंदर मेडल लेके आए। देखिए बात यह है कि सुविधाओं का अभाव है, ठीक है, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। देखिए वो मेरा भतीजा है जो दिखा रहे हैं, वो भी प्रयास कर ही रहा है कि हम कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं जो अदर स्टेट के बच्चे लोगों को सुविधा मिलता है वो हम हमारे स्टेट में मिले, हम भी ले आएंगे मेडल। क्योंकि ये सब सारी चीज़ देखने के लिए मिलता था हरियाणा स्टेट से। आपने कभी कई सारा वीडियो हरियाणा स्टेट से देखा होगा, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, कई सारे अखाड़े में मेडल लेके आते थे। लेकिन अब बिहार से भी नूर निकल रहे हैं ऐसे ऐसे जो मेडल देश के लिए लेके आएंगे। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो चंपारण की जगह है, चंपारण के वीरों का जगह बताया जाता है, जो कई वीर पैदा हुए, लेकिन अभी जो है वो राजा यादव वीर के नाम पर पैदा हुए। लेकिन इनका सिर्फ एक ही मेंटलिटी है कि हम अपना देश के लिए मेडल लेके आए, ऐसा ही है ना? जी जरूर, मैं चाह रहा हूँ कि मेडल लेके आऊँ अपने देश के लिए, और जो अदर स्टेट के बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रनिंग ट्रैक, अच्छी कोच, अच्छी डाइट मिलती है, अच्छे संरक्षण में रहते हैं, वैसी चीज़ें हमें भी प्रोवाइड की जाए। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट के अंदर कितना पुशअप आप मार लेते हैं? मिनट, मैंने टाइमिंग का फिक्स दे दिया है पहले। देखिए मिनट वो अभी तो एक मिनट देख के कभी मारे नहीं, मिनट एक एवरेज, मतलब इतना एवरेज नहीं चल रहा। देखिए हम लोग क्या है ना, सेट लगाते हैं। अच्छा ठीक है, सेट कभी 100 का सेट चलता है, कभी 25 का सेट चलता है, 50 का सेट चलता है, सपाटे में टाइम नहीं दिखा देता है, क्योंकि ये इतना टाइम है कितना मार रहा है। तो आप एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोले कि हम रनिंग करते हैं, हम रेसलर हैं, हम उसी से गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेके आना चाहते हैं, ये बात क्लियर कर देना। तो देखिए मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, मेरे पिताजी पहलवान हैं और मैं बचपन से पहलवानी करता आया हूँ, और जब मैं डिफेंस के लिए तैयारी करने लगा रनिंग में, तो मेरे देखिए जो पहलवानी के क्षेत्र है इससे बेहतर मुझे लगता है, और मैं करता हूँ रनिंग। ठीक है, जो मेरा जर्नी है वो पहलवानी, जो धरोहर है मैं पहलवानी, मैं इस चीज़ को बचाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कई सारा वीडियो में हमने देखा है कि आप गाड़ी के खींच रहे हैं, कभी गाड़ी से तेज कर करके आप बाहर निकल रहे हैं, इतना ताकत कहाँ से आता है, क्या खाते हैं आप? वही ना बताता हूँ, ये जर्नी जो मेरा पहलवानी से, इस जो सारा देन है, जो भी स्टेमिना ब्रेथ ताकत देख रहे हैं, ये सब पहलवानी की देन है। तो जो इसको मैं बचाना चाहता हूँ अपने यूथ के लिए, अपने आने वाले जो यूथ है उनके लिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ऐसा माहौल रहे कि हम मेरे क्षेत्र के लड़कों लोग का कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने क्षेत्र में अपने एरिया में इस सारे चीज़ों को प्रयास करें और यहाँ से मेडल लाए। अच्छा एक बात बताइए, तो खाते क्या हैं आप इतना जो अपने शरीर को मेंटेन कर रखें? क्योंकि इसके, सुनिए एक मिनट, अभी के बच्चे क्या गलती करते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, उम्र कम होगा, ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, इंजेक्शन लेना शुरू कर देंगे, पाउडर खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो बॉडी दिख रहा है ना, इनसे बेटर 3 महीने के अंदर यहाँ पे बना के खड़े हो जाएंगे। ओ वैसे लोगों को क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन जीते आ रहे हैं सारे खराब हो रहे हैं इस चीज़ को। देखिए ये चीज़ मैं देख रहा हूँ,
देखिए मैं चाहूँगा कि जो हमारा शरीर मिला है गॉड गिफ्टेड, जिस प्रकार से चल रहा है वैसे ही चलने दे, इसमें कोई छेड़खानी ना करे, जो नेचुरली है नेचुरली से चलने दे, और शुद्ध खाना खाए, घर पे जो खाना बन रहा है उसे सेवन करे, जो भी बाहर का जो चीज़ें। तो मतलब घर में आपका क्या क्या खाते हैं, कुछ तो होगा ना आपका, मतलब ये चीज़ मतलब बचाने के लिए, क्योंकि जो आपकी बॉडी दिख रहा है मुझे लग रहा है कि इसमें पानी या स्टॉक बिल्कुल ही नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं? देखिए मतलब अपना डाइटिंग पे रहते हैं, डाइट कंट्रोल करके लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा फैट वाला चीज़ें नहीं खाते हैं, और ज़्यादा मतलब तेल मसाले कम कर लेते हैं, और टाइम से खाते हैं और टाइम से वर्कआउट करते हैं जी, जितना होता है उतना पसीना निकालते हैं, वो चीज़ें करते हैं। चलिए, इनका कहना है कि डाइट मेंटेन, घर का जो रोटी चावल दूध होता है वही हम खाते हैं, और उसी चीज़ को हम प्रॉपर फॉलो करते हैं वही हमारा बॉडी दिख रहा है। वो जो बच्चे छोटे छोटे जो गलत कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सारी चीज़ों को ले रहे हैं, पाउडर खा रहे हैं, वो सब सारी चीज़ नहीं करें। दूसरी बात, इनका सरकार से मांग क्या था वो आपको हम फिर से एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि ये जो मट्टी पीछे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, इस मट्टी में ये लड़ाई कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा सुविधा कर दिया जाए, इस पर अगर मेट होता तो अच्छा कर जाते। और इनके लिए रनिंग के लिए, रनिंग के लिए भी इन्होंने बताया है कि हम रोड पे दौड़ते हैं, रोड पे दौड़ते टाइम कुछ किसी वक्त में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए वो सारी चीज़ इन पे सरकार नहीं लेगी। लेकिन अगर इनके पास अगर ग्राउंड अगर मिल जाता अगर रनिंग करने के लिए, तो जो रोड पे टाइमिंग इन्होंने बता रखा है कि हम इतना मिनट में इतना कर देते हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट कर सकते थे इनको ग्राउंड मिलता तो। और सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहे सस्टक न्यूज़।